इस वीडियो में आपको बताएंगे लेडीबग कैसे बनाई जाती है प्लास्टिक की स्पून की सहायता से। ये देखिए, हम लेंगे एक प्लास्टिक स्पून जैसे कि आपके सामने है। इसको हमने दो प्लास्टिक स्पून को येलो कलर में कलर किया हुआ है, आप रेड भी कर सकते हैं और ब्लू भी कर सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। एक स्पून को हमने ब्लैक कलर में कलर किया हुआ है, ये देखिए। एक सीजर चाहिए आपको, एक पेंट ब्रश चाहिए और पेंट चाहिए, दो आपको मैच स्टिक चाहिए। हम अब इस लेडी बग को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पून को जो आपने येलो कलर किया हुआ है ये देखिए, हम इसको कट करते हैं ट्रायंगल शेप में, देखिए इस तरह से कुछ इस तरह से नजर आएगी आपको, ये देखिए। अब दूसरी स्पून लेनी है, ये आपने उल्टी डायरेक्शन में लेके इसी ट्रायंगल शेप में कट करनी है ताकि दोनों मैच करें, ये देखिए इस तरह से नजर आएगी कुछ इस शेप में। अब इसको उल्टा करेंगे, अब दोनों स्पून कुछ इस तरह से नजर आनी चाहिए, ये देखिए। अब आपने जो ब्लैक स्पून लिया था उसको से बीच में से हम लोग कट किया हुआ है, इतना पोर्शन छोड़ के ब्लैक स्पून लीजिए और जो येलो स्पून है उसको कुछ पेस्ट करना है ब्लैक स्पून के ऊपर। आप ग्लू गन की तरफ से की सहायता से कर सकते हैं इसको। लगाने के बाद थोड़ा सा वेट करना है ग्लू गन से पेस्ट के बाद, क्योंकि वो अच्छे से फिक्स हो जाए। पेस्ट होने के बाद कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब आपने जो सेकंड येलो कलर प्लास्टिक स्पून है उसको पेस्ट करना है दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से। हॉट ग्लू गन की सहायता से आप उसे फिक्स कर दीजिए दोबारा। आप इसको फेविक्विक से भी कर सकते हैं। ये प्रॉपर फिक्स होने तक आप इसको दबा के रखिए ताकि हटे ना अपनी पोजीशन से। ये देखिए सेकंड जो पंख था जो स्पून थी प्लास्टिक की वो भी हमने पेस्ट कर दी है, तो पेस्ट करने के बाद कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब आपने क्या करना है, जो दो मैच स्टिक लिया था उनको कट करना है इस तरह से, फिर हाफ पार्ट में हमने कनेक्ट कट करना है और कट करने के बाद दो पीसेस में कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये आपने आगे पेस्ट करना है उसके रेडी बक। इसको 2 मिनट के लिए रोके रखना है ताकि अपनी जगह फिक्स हो जाए।
सेम प्रोसेस आपने दोबारा रिपीट करना है, जो सेकंड मैच बॉक्स की स्टिक है उसको पीस करने के लिए। इसको भी एक मिनट के लिए आपने फिक्स करने के लिए रोक के रखना है। ये देखिए फिक्स होने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आएगी आपकी लेडी बर्ड। अब आपने इसको कलर करना है, डिज़ाइन सही करना है। ये देखिए ब्लैक कलर की सहायता से आप कलर कर सकते हैं इसको। ये देखिए आपकी लेडी बग बिल्कुल रेडी है। आप इसको अपने कलर के चॉइस के अकॉर्डिंग आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। थैंक यू।